अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मटन निहारी, इसे मटन गुट निहारी भी कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप ऑयल, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया 1 टीस्पून, गोश्त शामिल करेंगे आधा किलो, हमने मटन लिया आधा किलो, दरमियानी साइज़ की बोटी रखी है। अच्छी तरह हम गोश्त को भून लेंगे, इसका कलर तकरीबन चेंज हो गया है। इसमें शामिल करेंगे गोट आधा किलो, जो रान की साइड की गोट होते हैं वो आधा किलो हमने वो लिए हैं गोश्त के साथ। एक टीस्पून नमक लेंगे, हल्दी आधा टीस्पून, लाल मिर्च आधा टीस्पून, ज़ीरा आधा टीस्पून, सौंफ आधा टीस्पून पिसा हुआ, गरम मसाला आधा टीस्पून, निहारी मसाला 2 टेबल स्पून, मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। पानी ऐड करेंगे 1.5 लीटर ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। हल्की आंच पर दम देंगे, गोश्त गलने तक पकाएंगे। मैदा लिया है 3 डोंगे वाले चम्मच, हल्की आंच पर मैदे को भून लेंगे। गोश्त तकरीबन गल चुका है हमारा, तो हम इसे मैदा लगाएंगे, हल्की धार में मैदा ऐड करेंगे, इसके साथ चम्मच चलाते रहेंगे। जितनी आपने ग्रेवी गाढ़ी रखनी है उसी हिसाब से आप मैदा ऐड करें, इसके साथ चम्मच चलाते रहें ताकि इसके अंदर गिटलियाँ ना बन जाएं। हमने इतनी गाढ़ी रखनी थी, माशाल्लाह रेसिपी हो चुकी है तैयार, मटन गोट नियारी। ऑयल भी ऊपर आ चुका है, हल्की आंच पर रखे थी, सर्व कर देंगे प्लेट के अंदर। हमने इतनी ग्रेवी गाढ़ी रखी है। तो कैसी लगी हमारी रेसिपी हमें कमेंट्स में बताइए। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।